आपके साथ बहुत मजेदार से तवा नान बना रही। अब हम एक उससे कटिंग कर लेते हैं इसको नाइफ से, और फिर इस पे तवे पे नान बनाएंगे। सही है, छोटे छोटे से। ये उससे थोड़ा सा ये आटा नरम हो गया है। अच्छा, आपने इसके बल्कि थोड़ा छोटा और कर लेती हो, पेड़े बना लीजिए। सही है, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह करना है। थोड़ी देर आप छोड़िएगा, ऊपर ऑलिव ऑयल लगाकर आपने इसको यह रख देना है। सही है, थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी तो फिर मैं इसके इसको शेप देंगे, अभी हम नहीं दे रहे हैं। राइस बहुत अच्छे से हो चुका है, खमीर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है। तिल लगाए, यहाँ पर धनिया पुदीना है वो लगाए, आप प्याज चॉपर के लगा ले, ज़ीरा लगा सकते हैं, उसके अलावा कलौजी लगा सकते हैं। सही है, ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर लगा देती हूँ ये ऑयल। बहुत मज़े के ये नान होते हैं, फ्राई कर सकते रहते हैं आप इसको, फ्राई करके आप तब भी बनाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। इसको इधर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा कि ये पहले आपने थोड़ा सा करना है, इसको पकाने से पहले थोड़ी देर शेप करके रख दीजिएगा, पेड़े बना के रख दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको यहाँ रख देते हैं। एक और है छोटा सा, ये भी कर लेते, कोई बात नहीं, जितने बड़ बच जाते हैं बढ़ लेते। ये हमने यहाँ पर बना लिया, सबके ऊपर ऑलिव ऑयल। अगर आप बेक करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जलाना है स्टील लाइन का चूल्हा, और इसके ऊपर हम बनाएंगे। बाकी रेसिपीज़ तो हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी स्लो फ्लेम पे रखा, पकड़ा जा रहा है, बस ड्राई होगा, हरा धनिया डलेगा, बाकी तो कुछ नहीं डलना। ये हमने जो बनाया था बादामी दूध बनाया था, ये भी हमारा रेडी हो गया, तो बस अब नान की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम विदा, क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं लाहौर नहीं आ सकी। मेरा बड़ा दिल था कि अपने सारे शेफ जो मेरी फ्रेंड है, मैंने आपको फ्रेंड बनाया हुआ है ना अपना, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को मिल नहीं सकी, आ नहीं सकी तबीयत खराबी की वजह से। ओए होए, आ जाती तो अच्छा था। वो मेरी बेटी की शादी रखी हुई है ना, तो घर में इतना है ना, हाँ। तो आप भी दुआ करना कि मेरी बेटी की शादी खैरियत से हो जाए, अल्लाह पाक करे, अल्लाह पाक दुआ दीजिएगा जी। मेरी बेटी की शादी बस हफ्ता डेढ़ हफ्ता रह गया। अच्छा, हफ्ता डेढ़ रह गया, चले अल्लाह पाक सारे काम खैरियत से करे और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। और दूसरा ये है कि आप मुझे आज इतनी अच्छी लग रही हैं, शायद आप मुझे याद रखा करें दुआओं में, मैं आपको याद रखती हूँ, आप पहली मेरी दोस्त है मसाला चैनल की। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, मैं सबको दुआ में याद रखती हूँ, मैंने आपसे विन भी किया हुआ है ना, तो मुझे याद है। तो मेरा दिल किया कि मैं आपको कॉल करूँ, फौरन उठकर बैठ के नींद में पड़ी थी, तो मैंने कहा इतना अच्छा खाना बना रही है रिदा, और खिली खिली लग रही है माशाल्लाह, फ्रेश फ्रेश आई है लाहौर से, तो इतना अच्छा सैर सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, तो इसी तरह हंसती मुस्कुराती और हमें सिखाती रहे। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले सब लोगों के लिए दुआ होती है, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर अपने लिए होती है, तो हमेशा सबसे पहले शुभरात शुभरात है ना, जी जी रात है, सही बात है, आज मैंने भी अपनी बेटी की शुभरात लेके जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे तरफ रिवाज है ना, हमारी तरफ भी है रिवाज, लेकिन मुझे खुद कुछ भी नहीं पता, 10 लोगों से पूछ पूछ के क्या भेजते हैं क्या भेजते हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो ना हमारे जो है ना, मेरी बेटी के ससुराल वाले, उनको शुभरात करने ही, हालांकि बस पता भी होगा तो शुभरात नहीं आई ना। अच्छा। तो वो ना, मैंने तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा किया ना सारा, मेरे दिल में आज बच्चे को उसको मुबारक दूंगी, हारस को, अली हारस है मेरे दामाद का नाम, तो अच्छा। उसको दूंगी इंशाल्लाह ताला मुबारक, तो बेटी को नेक दुआओं के साथ उसको करूंगी, तो आप भी दुआ दीजिएगा। चले जी, सबके लिए दुआ, सबकी बेटियों की अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके लिए अच्छा करे। आमीन सब आमीन। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर तिल लगा दी, यहाँ पे नान को इस तरह से शेप देना, आप थोड़ी देर अगर आप इसको रख लेते हैं ना राइस को, राइस करने के लिए, तो बड़े अच्छे से बच जाते हैं। तो ये मैंने ये एक में बता देती हूँ, यहाँ पर मैं एक डालती हूँ उसके अंदर, फिर अब उसके बाद इसको आराम से हल्की आँख पर पकाएंगे। ये मैंने अगवानी नान का शेप दिया, जो इस तरह से इनका शेप होता है, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से,
तो बस एक को डालती हूँ तवे के ऊपर, जब तक ये फ्राई हो रहा है, पक रहा है, सॉरी फ्राई नहीं कर रहे हम, तो जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा।